माय चैनल चावला कुकिंग। पाव भाजी हम सभी को पसंद है और मोस्टली वो जो तवे पर बनती है लाइक स्ट्रीट स्टाइल। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कुक स्ट्रीट फूड स्पेशल बटर पाव भाजी विथ वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट। और इसका टेस्ट आई एम श्योर आपको मुंबई की पाव भाजी याद दिलाएंगी, बिकॉज हम बना रहे हैं पाव भाजी वो भी उतनी ही टेस्टी, बटरी एंड डिलीशियस बनने वाली है। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल प्रेस कर दें, इससे मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। और वीडियो के एंड में शेयर करूंगी आपसे टिप ऑफ द वीक, सो जुड़े रहिए मुझसे एंड तक और शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बनाना मैं ले रही हूँ एक प्रेशर कुकर, इसमें डाल देती हूँ एक चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें ऐड करेंगे एक चम्मच पाव भाजी मसाला। इस स्टेज पे आप गैस का फ्लेम लो रखिए, नहीं तो पाव भाजी मसाला जल जाएगा। अब हम उसमें ऐड करते हैं आलू। आलू को मैंने यहाँ मोटे मोटे चंक्स में कट कर दिया है, 4 बड़े साइज के आलू लिए मैंने। अब उसमें ऐड करते हैं 1/4 कप मटर। मटर मैंने यहाँ पर फ्रोजन लिए, आप फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं। अब 1 कप उसमें पानी ऐड कर देते हैं, साथ ही उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और इसको ढक्कन लगाकर 2 विसल लगाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर, और जब तक आलू अच्छे से बॉईल ना हो जाए। अब सब्जियां जब तक पक रही है हम बाकी की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें ऐड कर देते हैं बटर। तेल हमने इसलिए डाला है कि बटर जले नहीं, हमने 3 बड़े चम्मच बटर का यूज किया है यहाँ पर। अब उसमें 1 बड़ा चम्मच जीजी पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ और उसे 2 मिनट तक रोस्ट कर देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 बड़े प्याज, इसे मैंने फाइन चॉप कर दिया है, इसे डाल देते हैं और इसे 5 मिनट के लिए रोस्ट करते हैं हाई फ्लेम पर। इसे लाल नहीं करना है, हमें पिंक कलर का ही रखना है। इसे कंटिन्यू स्पून से चलाते हुए इन्हें रोस्ट करना है। अब हम उसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च और इसे भी रोस्ट कर देते हैं 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। स्पून से कंटिन्यू मिक्स करते रहिए। अब मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, उनकी एक प्यूरी बना लेते हैं। सी मैंने प्यूरी बना दिया है। अब प्याज और शिमला मिर्च भी रोस्ट हो चुके हैं। अब उसमें ऐड करते हैं स्पाइस, नमक, लाल मिर्च और 2 चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड करते हैं इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ऐड करते हैं इसमें टोमेटो प्यूरी को और इसे हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं, जब तक टमाटर उसमें पूरा कुक न हो जाए। इसे हाई फ्लेम पर ही कुक कीजिए आप और कंटिन्यू स्पून से स्टर करते रहिए। आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर की एक फाइन पेस्ट तैयार हो गई है, बढ़िया दिख रहे हैं बिल्कुल। ऑयल भी सेपरेट होने शुरू हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे मीडियम फ्लेम पर इस साइड में रख देते हैं, जब तक हम कुकर की सब्जियां बॉईल हो चुकी है उन्हें देख लेते हैं। ये देखिए आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इन्हें मैशर से मैश कर देते हैं, कुकर के अंदर ही इन्हें मैश कर दीजिए, बहुत ही ईजी हो जाएगा हमें। आप इसमें कम ही पानी ऐड कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो आपको वो फेंकना पड़ेगा, तो बेटर है आप कम पानी यूज़ करें उसमें। ये देखिए अब हम उसमें ये बॉईल की हुई सब्जी इसके अंदर डाल देते हैं, बहुत ही बढ़िया कलर दिख रहा है टमाटर का। सब्जियां डालकर उन्हें मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे थोड़े से चंक्स दिख रहे हैं। इस स्टेज पे मैं मैशर को और इसमें थोड़ा सा मैश कर देती हूँ डायरेक्ट कढ़ाई में। ये अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे 1-2 उबाल आने तक पका लेते हैं। दोस्तों आप इस स्टेज पे आप इस तरह कुक करके आप इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। उसके आगे के प्रोसीजर जो हम तवा पे बनाने वाले हैं वो आप
कभी भी बना सकते हैं। लीजिए दोस्तों, हमारी भाजी तो रेडी हो चुकी है, लेकिन हम उसे और ज़्यादा बटरी और टेम्पटिंग कैसे बनाएं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल कैसे बनाएं, इसके लिए हमें तवे का यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। साथ में इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दिए, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए, इसका फ्लेम बंद कर दिया है और अभी हम रख देते हैं तवा को। तवा को हाई फ्लेम पर गर्म कर दिया है। अब उसमें ऐड कर दिया है उसमें बटर, 2 चम्मच मैंने बटर यूज़ किए हैं। 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे थोड़ा सा रोस्ट कर देते हैं। ये सभी प्रोसीजर को बनाते समय आप हाई फ्लेम ही रखिए गैस को। अब हम उसमें थोड़ा सा बारीक कटे हुए प्याज डाल देते हैं और हरा धनिया डालकर इसे 2 मिनट कुक कीजिए। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पाव भाजी मसाला। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें भाजी डाल के थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के हिसाब से उसमें पानी ऐड करते हैं और इसे हाई फ्लेम पर ही उसको कंटिन्यू स्टर करते जाते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा जब हम रोड स्ट्रीट की पाव भाजी खाने जाते हैं ना, बिल्कुल इसी मेथड से पाव भाजी बनाते हैं। तो हमने बिल्कुल मार्केट स्टाइल पाव भाजी रेडी कर दी है, इसे बोल में मैंने डाल दिया है। हमारी भाजी रेडी हो चुकी है, चलिए पाव को भी सेक लेते हैं। उसी तवा पर मैंने थोड़ा बटर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। बस पाव को बीच में से कट करके इस तरह से पाव को सेक लेते हैं। इस तरह से भाजी का फ्लेवर पाव में आ जाएगा। सी, हमारा बटरी पाव भी रेडी हो चुका है। अब करते हैं प्लेटिंग। आप इस तरह से भाजी को बनाकर रखिए और आपको जब सर्व करना हो आप तवा पर बटर का तड़का लगाकर गर्मा गर्म सर्व कीजिए पाव भाजी। फ्रेंड्स, हम मार्केट से बटर लेकर आते हैं बट उसे ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं। आप क्या करें, बटर को इस तरह क्यूब्स में कट करके कंटेनर में रख दें। आप रेसिपी के अकॉर्डिंग उसे यूज करें, आपको इसे यूज करने में इजी होगा। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करें और आप इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन एंजॉय माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से मुझे लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।